हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एसएस का चैप्टर नंबर 3, जो है मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। तो जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश हुआ था, उसके अंदर हमें ये समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनकी विक्ट्री हुई थी, यानी जीत गए थे वॉर में, और बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने वॉर को लॉस्ट कर दिया था। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश हुआ था, तो बहुत सारे कंट्रीज़ इकोनॉमिकली, यानी कि उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत पुअर हो चुकी थी। लोगों के पास में खाने के लिए फूड नहीं था, अर्न करने के लिए मनी नहीं थी, जॉब्स नहीं थी, और उसकी जो इफ़ेक्ट हुई थी गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट हुआ था, लोगों का डेमोक्रेसी पर से ट्रस्ट उठ गया था, और देखते ही देखते डिक्टेटरशिप बिगिन इन सम कंट्रीज़, यानी कि तानाशाही शुरू हो गई थी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर। इन कंट्रीज़ में इंक्लूड करता है जर्मनी, इटली, रशिया, और भी बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे कंट्रीज़ थे विच बिकम अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब डिक्टेटरशिप को कॉज माना जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का जो रीज़न है वो डिक्टेटरशिप था। तो लेट्स स्टडी कि किस तरह से सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम देखेंगे आज फेसिज्म इन इटली। फेसिज्म का मीनिंग होता है, इटालियन वर्ड है, और जिसको लिया हुआ है फेसिक्री में से। नाउ अगर हम इसका मीनिंग देखें, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो इटली उन नेशंस में से था जिसकी विक्ट्री हुई थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसने जीत लिया था, और उन नेशंस के साथ में उसने लड़ाई की थी जो उसको सपोर्ट करते थे। अब इसके बाद में ये समझ में आता है कि इटली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर $12 मिलियन स्पेंड किए थे, और उसके 6 मिलियन सोल्जर्स, यानी कि 6 लाख सोल्जर्स, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। अब उन नेशंस के लिए इटली ने अपनी चॉइसेस टेरिटरीज, यानी कि उसे जो टेरिटरी, जो जगह कैप्चर करनी थी, वो कैप्चर उसे नहीं करने के लिए मिली, तो इटली को इग्नोर कर दिया गया, और इटली एंग्री और फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्से में आ गया, और उसके अंदर एक राष्ट्रवाद की फीलिंग जागृत होने लगी, जो इटालियंस के लिए ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब गवर्नमेंट ने इसे ध्यान न देते हुए, एक न्यू पर्सन आया जिसको बोला जाता है बेनिटो मुसोलिनी, यानी कि वो एक डिक्टेटर हुआ करता था इटालियन कंट्री का। उसने आके सीधा ये किया कि उसकी जो पार्टी थी मिसोलिनी की, उसने एक बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स, जो एक सिंबल होता है सुप्रीमसी का, रोमन एम्पायर से चलता आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि फेसिज्म, जो एक इटालियन वर्ड है, जिसका मिसोलिनी का ये मैक्सिम था कि वन पार्टी वन लीडर, अगर इटली इतना बड़ा कंट्री है तो उस पूरे कंट्री के अंदर एक ही पार्टी होनी चाहिए और एक ही पर्सन का रोल होना चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए, वो था म्यूसोलिनी ने। धीरे धीरे करके म्यूसोलिनी ने बाकी सारे कंट्रीज से फाइट करना शुरू कर दिया, और उसने दूसरी जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज थी, अल्बानिया, अब्सिनिया, फ्यूम पोर्ट, इन 1924 वो उसने कैप्चर कर ली। म्यूसोलिनी ने धीरे धीरे करके जो लीग ऑफ नेशंस था उसको ज्वाइन कर लिया, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस जो था उसके साथ में उसने टाई अप कर दिया, यानी कि जुड़ गया, और इसी तरह से इटली रिस्पॉन्सिबल हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। अब हम देखें कि नाजिज्म इन जर्मनी, जैसे फेसिज्म इन इटली हुआ करता था, वैसे नाजिज्म इन जर्मनी भी एक डिक्टेटर का रूल हुआ करता था। तो जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लूज कर दिया था, वो उन नेशंस में से था जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लूज कर दिया था, और उसकी जो इकोनॉमी थी वो रोइन, यानी कि बर्बाद हो चुकी थी। पेरिस पीस प्रोग्रेस की तरफ जर्मनी ने जब ध्यान दिया, तो उसे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी जिसका नेम था ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। जर्मन्स इसके लिए एक्सट्रीमली एंग्री थे, क्योंकि ये ट्रीटी को उसे साइन नहीं करना था। और फिर धीरे धीरे करके एडोल्फ हिटलर, जो कि वर्ल्ड के बहुत ही बड़े तानाशाह डिक्टेटर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसको नेम दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इन 1919, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 इमीडिएट फिनिश होने के बाद में। इस पार्टी को नाजी पार्टी भी बोला जाता है, और इससे ये समझ में आता है कि हिटलर ने जो पोस्ट संभाली हुई थी, उस पोस्ट के ऊपर वो इस तरह से रूल करता था कि कंट्री के अंदर न किसी का अच्छा देखते थे, न किसी का बुरा देखते थे, जो हिटलर को अच्छा लगता था वही सही होना चाहिए। तो हिटलर का जो रूल हुआ करता था उसको डिक्टेटरशिप वाला रूल, यानी कि तानाशाह वाला रूल माना जाता था। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया कि कैसे इटली के अंदर
फेसिज्म पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कैसे जर्मनी के अंदर नाजीज्म पार्टी आई, और फिर स्टार्ट हुआ द नेक्स्ट इज द मिलिट्रलिज्म इन जापान। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी एक साइन जो की हुई थी वर्सैलिस 1999 में, जापान गॉट द बेनिफिट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ चाइना। जापान को कुछ प्रोविंसेस मिली थी 1919 में, तो वो प्रोविंसेस के अंदर इंक्लूड करता है चाइना और इंग्लैंड और फ्रांस जो था वो बहुत सारे रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था जर्मनी बिटवीन दैम। इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी का कुछ हिस्सा ले लिया था और जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड विद दिस। जापान उससे ना संतुष्ट था, यानी कि सेटिस्फाई नहीं था। और फिर 1921-22 में एक वाशिंगटन मीट हुई जहाँ पे जापान को एग्री कर दिया गया सिर्फ 35% ऑफ इंग्लिश एंड अमेरिकन नेवल फोर्स ही दी जाएगी। जापान को उसके जो साकलिन एंड साइबेरियन आइलैंड्स थे वो भी खाली कर दिए पड़े थे और जापान इससे बहुत एंग्री था। और इस समय जापान में जब इलेक्शन हुआ था तो बहुत सारी पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने मेजॉरिटी मिलिट्रलिज्म को फेवर किया था। ये स्टूडेंट्स, मिलिट्रलिज्म का मीनिंग ये होता है कि जिस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट नहीं होती है वहाँ पे मिलिट्री का शासन चलता है। तो इस तरह से जापान के अंदर मिलिट्रलिज्म स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे करके जापान ने सारी लीग ऑफ नेशंस जो थी उसके साथ टाई अप कर दिया गया और 1933 में ये पीरियड स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल डिप्रेशन जो कि चला था 3 years के लिए, दैट इज 4 years के लिए चला था। द हेड्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस हैड द बिलीव दैट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इवन द पोस्ट वॉर प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल स्टिल कम टू एन एंड। जो लीग ऑफ नेशंस थे, बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जिन्होंने अपना एक लीग बनाया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली यूरोपियन नेशंस को ये लगा कि धीरे धीरे करके वर्ल्ड के अंदर कंपनीज इम्प्रूव होती जाएंगी, पर ये रॉन्ग हो गया। सडनली बहुत सारे शेयर्स जो थे वॉल स्ट्रीट के अंदर, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, तो बहुत सारे शेयर्स को सोल्ड कर दिया गया और धीरे धीरे करके वॉल स्ट्रीट क्राइसिस शुरू होने लगे। और क्रिटिक्स का ये मानना था कि ये क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया और शैटर्ड कर दी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द नेशन। बाकी सारे नेशंस की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसको बहुत खराब तरह से बर्बाद कर दिया गया और इसी ने ही बर्थ दिया था ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन का, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब वर्ल्ड में किसी के लिए खाने के पास में फूड नहीं होता, अर्न करने के लिए कोई जॉब नहीं होती, मनी नहीं होती, एंड दिस अफेक्टेड द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हुआ था वो अमेरिका में और यूरोपियन नेशंस में हुआ था, जिसने कंट्री के वर्ल्ड के बहुत से ऐसे कंट्रीज थे जिसको हिला के रख दिया गया था। तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर वन के बाद में वर्ल्ड के ऊपर कहीं पे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने के लिए मिलती है, कहीं पे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने के लिए मिलती है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में, वर्ल्ड वॉर वन का ये कॉज था कि जब कंट्रीज एग्री नहीं हो रहे थे एक दूसरे के साथ में, तो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैज कॉस्ट द वर्ल्ड वॉर टू, जो कि 5 years के लिए चला था, 6 years के लिए, 1939 से लेकर 45 तक। अब हमने डिस्कस किया था कि जो सीड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू था वो सो कर दिए गए थे, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर वन फिनिश हुआ था तभी वर्ल्ड वॉर टू का बीज बो दिया गया था। और इसके कॉजेस ये थे, फियर्स नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना हुआ करती थी लोगों के बीच में, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर, इन सभी कंट्रीज के अंदर, तो जर्मन्स कुड नेवर फॉरगेट एंड ओवरकम द ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस उसे साइन करनी पड़ी थी, जर्मनी उसे नहीं भूल पाया था। और हिटलर ने जो कुछ प्रोविंसेस कैप्चर किए थे ऑस्ट्रिया के, चेकोस्लोवाकिया के, और नाजी पार्टी के फिलोसॉफी को फॉलो करके, तो उसी के रीज़न से जर्मनी जहाँ पे स्टे करता था, इटली ने ये नहीं भूला था कि ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस जो उसे उसके अंदर उसे इग्नोर कर दिया गया था, यानी कि उसे इंक्लूड नहीं किया गया था, तो उसे उसका बहुत झटका लगा था, जो हमने देखा इंट्रोडक्शन के अंदर जो फेसिज्म स्टार्ट हुआ था। और इसी तरह से फेसिस्ट पार्टी के अंडर में मुसोलिनी ने फियर्स नेशनलिज्म स्टार्ट किया, यानी कि लोगों के बीच में राष्ट्रवादी की भावना बढ़नी शुरू कर दी। और इंपीरियलिस्ट पॉलिसी यानी कि ऐसी पॉलिसीज जो कि लोगों को फेवर नहीं करती है, और ऑन द अदर हैंड जापान टू गॉट इनटू इंपीरियलिज्म, थस वर्ल्ड पीस वाज इन डेंजर। और इसी की वजह से जब कंट्रीज ने
अपना रूल जो है वो डिक्टेटर्स के हाथ में दे दिया, यानी कि ऐसे पीपल के हाथ में जो कि अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड पीस के ऊपर यानी कि शांति के ऊपर बहुत ही ख़राब इफेक्ट पड़ी थी। अब अगर हम देखें सेकंड वन इसका दिया हुआ है, दैट इज़ द ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म का सिंपल मीनिंग ये होता है कि लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे, यानी कि कुछ कंट्रीज़ जो है वो फॉलो करती थी कुछ ऐसी पावरफुल कंट्रीज़ को, तो इसकी वजह से वर्ल्ड जो था वो पूरे ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था और धीरे धीरे करके उन ग्रुप्स के बीच में फाइट होने लगी थी। और इसी का ये रीज़न निकल के आता है कि ग्रुपिज्म की वजह से वर्ल्ड वॉर टू कॉज हुआ। तो इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था नंबर फोर्थ पॉइंट में ये दिया है कि वो डिस्टर्ब हो गया था, फेलियर हो गया था। और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन की गई थी उसको भी रिप्लेस कर दिया गया था पेरिस पीस प्रोग्रेस के अंदर, जिससे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को भी एक ऐसा कॉज माना जाता है जिससे वर्ल्ड वॉर टू कॉज हुआ था। इम्पीरियलिस्ट एम्बिशन ऑफ द एडोल्फ हिटलर, यहाँ पे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि जर्मनी के अंदर जो इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाई हुई थी एडोल्फ हिटलर ने, तो उसकी पॉलिसी को देखते हुए जर्मनी के अंदर जो डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुआ वो भी एक मेन कॉज था वर्ल्ड वॉर टू का। नेक्स्ट वन इज जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड एन इमीडिएट कॉज। जर्मनी ने जब वर्ल्ड वॉर वन के अंदर हार का सामना किया था तो उसने इमीडिएटली पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, तो इसी को भी एक इमीडिएट यानी कि तुरंत एक ऐसा कॉज हुआ था जो वर्ल्ड वॉर टू कॉज हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर टू है वो कैसे हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर टू जब स्टार्ट हुआ था तो कंट्रीज़ को अगेन डिवाइड कर दिया गया था टू ग्रुप्स में। ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ एलाइड नेशंस लेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस। एक तरफ एलाइड नेशंस थे, मतलब कि जो पावरफुल नेशंस थे यूरोपियन के वो थे। ऑन द अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ एक्सिस नेशंस कंप्राइजिंग जर्मनी, इटली एंड जापान। जो फर्स्ट वाला ग्रुप बनाया गया था एलाइड नेशंस का, उनके लीडर्स बनाए गए थे इंग्लैंड और फ्रांस को। और जो सेकंड ग्रुप बनाया गया था एक्सिस नेशंस का, उनका लीडर बनाया गया था जर्मनी, इटली और जापान को। बिसाइड्स दिस सम अदर फैक्टर्स विथ वॉर ड्रिवन मेंटालिटी हैड एंटर्ड ऑन दिस। और इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स यानी कि ऐसे कारण का इसके अंदर एंटर होना बहुत जाहिर था कि जिसकी वजह से वॉर होने लगे। लोगों के माइंड के अंदर ये मेंटालिटी भर दी गई थी कि अब वॉर ही ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। जापान अटैक द अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर। जापान ने जो कि अटैक किया था अमेरिकन नेवी के ऊपर, जहां पे अटैक किया था उस प्लेस का नेम है पर्ल हार्बर में। एज अ रिजल्ट अमेरिका गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिटेलिएटेड। इट जॉइन द एलाइड नेशंस थस मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। और इसी की वजह से अमेरिका ने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया और उसने एलाइड नेशंस जो कि लीड कर रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस उनको ज्वाइन कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब अमेरिका ने फ्रांस और इंग्लैंड को ज्वाइन कर दिया एलाइड नेशंस के ग्रुप में, तो एलाइड नेशंस एक तरफ ज़्यादा स्ट्रांग बन गया एज कम्पेयर टू द एक्सिस नेशंस। और अमेरिका ने उसी वॉर का, जब उसके शिप के ऊपर हमला हुआ था तो उसी वॉर का बदला लेने के लिए उसने दो एटम बॉम्ब्स गिराए थे जापानीज सिटीज के अंदर, दैट इज द हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन ऑर्डर टू स्टॉप जापान फ्रॉम मूविंग एनी फर्दर। आगे बढ़ने से जापान जब और ज्यादा हमला करे तो अमेरिका ने वहीं पे उसे स्टॉप कर दिया। नाउ 1,24,000 जापानीज सिटीजन्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर वॉज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। और इसी की वजह से 1,24,000 जापानीज पीपल की डेथ हो गई थी और जापान ने सरेंडर कर दिया यानी कि हैंड्स अप कर दिए। और वहां से लेकर 11 अगस्त 1945 को जो वर्ल्ड वॉर टू था वो एंड हो गया यहाँ पे। इधर पिक्चर में भी क्लियरली बताया गया है कि एटम बॉम्ब जब हिरोशिमा और नागासाकी के दो सिटीज के ऊपर गिराया गया था तो उसके वॉर की जो इफेक्ट है वो कितनी स्ट्रांग थी और बहुत सारे लोगों ने ऑन द स्पॉट डेथ यानी कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। नाउ ऐसे कौन से इफेक्ट्स है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तो यहाँ पे फर्स्ट है वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद में उसके क्या इफेक्ट्स थे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इफेक्ट्स।
तो जब वॉर हुआ था यहाँ पे, उसकी हॉरेंडस डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत खराब तरह से डिस्ट्रक्शन हुई थी वर्ल्ड के ऊपर, जितने भी नेशंस इंक्लूड थे इस वॉर के अंदर, चाहे वो एलाइड नेशंस हो या एक्सिस नेशंस हो, चाहे कितने भी पावरफुल नेशंस हो, अमेरिका ने तो $350 बिलियन का खर्च करके $1,000 बिलियन की प्रॉपर्टी उसकी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी कि बर्बाद हो गई थी। इन शॉर्ट, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जितने भी रशिया पावरफुल नेशंस थे, उनकी इकोनॉमी के ऊपर, यानी कि इन देश के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी यानी कि गरीबी का सामना करना पड़ा था, और इतने लोगों की जो संख्या है, इतने लोगों को हंगर फेस करना पड़ा था, यानी कि भूखमरा जिसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो उन्होंने फेस किया था। नेक्स्ट वन इज कम्युनिज्म इन चाइना। कम्युनिज्म का सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसी गवर्नमेंट को चलाना जहां पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के पीपल, जनरली चाइना के अंदर हमें सिर्फ चाइनीज पीपल ही देखने मिलते हैं, वहां पे जो कल्चर है वो इतना वैरिड नहीं है एज कम्पेयर टू द इंडिया एंड अमेरिका। तो बहुत सारे नेशंस ऐसे थे जो इम्प्रेस हुए थे रशिया से, और उन्होंने फास्ट प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया कम्युनिस्ट मेजर्स के अकॉर्डिंगली। जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंगली चाइना के ऊपर भी इसकी जो इफेक्ट थी वो इंप्रेसिव इफेक्ट थी, यानी कि अच्छी इफेक्ट थी। पर जापान वीक हो गया था आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इसी का एडवांटेज मिला था चाइना को, और एट द एंड चाइना के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ जिससे कई हद तक जो पहले माल सामान जापान के अंदर बनता था वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद में हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज के अंदर जो एटम बॉम्ब्स गिरे थे वो फिर चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, यानी कि बनने लगे। नेक्स्ट वन, जो थर्ड इसकी इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल रही है, इट इज द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कोल्ड वॉर डियर स्टूडेंट्स उसे बोला जाता है कि जिसके अंदर हम किसी भी आर्मामेंट्स का यूज नहीं करते हैं, यानी कि हथियारों का यूज नहीं करते हैं, ऐसा वॉर जो कि सिर्फ शब्दों से होता है, यानी कि मुंह से बोली हुई लैंग्वेज से जो वॉर होता है उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। तो वर्ल्ड वॉर टू जब एंड हुआ तब ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा, पर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ नेशंस के बीच में। जितने नेशंस इन्वॉल्व थे फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, उनके बीच में कोल्ड वॉर होने लगा, यानी कि इस तरह से वॉर हुआ कि दोनों के बीच में हथियारों का यूज नहीं हुआ, और सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ एक दूसरे के साथ में, जो शब्दों का वॉर करते हैं उसी शब्दों का वॉर होने लगा। तो दिस इज द इफेक्ट कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की जगह पे यहाँ पे दिया गया है कि कोल्ड वॉर हुआ था। नाउ यूनाइटेड नेशंस, वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस कि यूएन इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी एजेंसी है वर्ल्ड की कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था उसका मेन पर्पस, लीग ऑफ नेशंस यानी सभी नेशंस को साथ में मिला के एक लीग बनाई गई थी ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, पर लीग ऑफ नेशंस ज़्यादा लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं कर सकी, और उसी का रीज़न ये था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। बट इमीजिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, और लीग ऑफ नेशंस जब फेल हुआ तो यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। इधर पिक्चर में क्लियरली दिया हुआ है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर है, और 24 अक्टूबर 1945, इट मींस 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ था, और उसी सेम ईयर में यूनाइटेड नेशंस वॉज एस्टाब्लिश विद द पर्पज ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड को एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। इसका मेन पर्पज यही था कि पीस यानी कि शांति, सिक्योरिटी यानी कि लाइफ, लोग अभी ज़्यादा डेथ की तरफ ना जाए और को एग्जिस्टेंस हो सके। बाकी सारी जो कंट्रीज थी वर्ल्ड के अंदर जब वर्ल्ड वॉर टू एंड होने के बाद में उनकी सिचुएशन जो ख़राब हो गई थी वो फिर से अपने दम पर खड़े हो सके, इसी का ही मेन रीज़न था कि यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ था, यानी कि बर्थ हुआ था। अब अमेरिका एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश यूएन हैड ऑलरेडी बिगन, अमेरिका के जो एफर्ट थे यानी कि प्रैक्टिस थी उसने पहले से ही शुरू कर दी थी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, पर यह प्रैक्टिस अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो एक बहुत ही नामचीन यानी कि फेमस प्रेसिडेंट थे अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, फॉर्म फोर मेजर अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम वाइल गिविंग हिज मैसेज टू द अमेरिकन कांग्रेस। उनकी जो पार्टी थी अमेरिकन कांग्रेस, उन्होंने
एक ये मैसेज दिया था अमेरिकन कांग्रेस को कि विद द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशंस का बर्थ इसीलिए ही हुआ था कि वर्ल्ड के अंदर सबको फ्रीडम दी जाए। फ्रीडम दी जाए इसका मतलब ये नहीं कि उस फ्रीडम का गलत तरह से इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाए। पीस हो वर्ल्ड के अंदर, शांति और सिक्योरिटी यानी कि लोगों के लाइफ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, जब हम बात करें यहाँ पर, तो अब कौन से ऐसे राइट्स दिए गए थे, कौन सी फ्रीडम दी गई थी? तो इट इज़ फर्स्ट वन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट। वी आर वेल अवेयर कि लास्ट टाइम भी हमने एसएस के सिविक्स में डिस्कस किया था पॉलिटिकल में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेसिक राइट मिलता है। हमें 6 बेसिक राइट्स मिलते हैं, उसमें से फर्स्ट वन जो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट। ये राइट उतना ही ज़रूरी है जितना हम बात कर रहे हैं या कोई भी स्पीच या कोई भी हम विचार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स कि हम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेदर इट इज़ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख रिलीजन और एनी काइंड ऑफ द रिलीजन इन द वर्ल्ड। और राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, और इस राइट के अकॉर्डिंगली किसी को भी किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये राइट्स दिए गए थे यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर बनाया गया था। जैसे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे चार्टर होता है यूनाइटेड नेशंस का। तो अब हम बात करें कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने 8 पॉइंट्स के बीच में एग्रीमेंट करके अटलांटिक ओशियन में जब वो शिप में ट्रैवल कर रहे थे, लेटर ऑन उसको बोला गया था अटलांटिक एग्रीमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, जब वो अटलांटिक शिप के अंदर ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, दैट्स वाई उस एग्रीमेंट को अटलांटिक एग्रीमेंट बोला हुआ है। इन इस अटलांटिक एग्रीमेंट के अंदर जो मैटर्स इंक्लूड की गई थी, वो मैटर्स है मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑन सोवर्जिनिटी ऑफ एवरी नेशन। सभी नेशंस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, सोवर्जिनिटी यानी आज़ादी, किसी भी तरह की गुलामी नहीं करनी है किसी को भी। पीस मेंटेन रहना चाहिए यानी शांति, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट का मीनिंग किसी भी तरह के हथियार, वेदर इट इज़ द गन और वेदर इट इज़ द टैंक्स जो बड़े बड़े यूज़ होते हैं मिलिट्री के अंदर, वो किसी को भी अभी यूज़ नहीं करने हैं। और फिर इसी तरह से द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मीट इन मॉस्को फॉर वर्ल्ड पीस। और जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे जिन्हें विदेश मंत्री कहा जाता है, वो ब्रिटेन, अमेरिका जैसे पावरफुल नेशंस के वर्ल्ड पीस के लिए यानी कि वर्ल्ड में शांति रहे, उसकी एक मीटिंग हुई थी मॉस्को के अंदर, जो कि रशिया का कैपिटल सिटी है। नाउ विच केम टू बी नोन एज द मॉस्को डेक्लरेशन, उसको मॉस्को डेक्लरेशन बताया हुआ है। इन नवंबर 1943 3 सुपर पावर्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 नेशंस प्रिपेयर्ड द एग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशंस एट वॉशिंगटन। और 3 सुपर पावर्स के साथ में 50 नेशंस ऐसे थे वर्ल्ड के जो कि इस एग्रीमेंट के ऊपर मिले थे यूनाइटेड नेशंस में वॉशिंगटन में सितंबर 1944 को, और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। फिर एट लास्ट ऑन अक्टूबर 24, 1945 द 51 मेंबर नेशन डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट सिंस देन। 24th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रेजेंटली 193 नेशंस आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिया तब से लेकर, जब 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तब से लेकर यूएन का एक मेंबर है और अभी भी इंडिया है। प्रेजेंटली अगर हम आज की बात करें तो 193 नेशंस वर्ल्ड के टोटल जो है, सारे नेशंस ऑलमोस्ट सभी है, कुछ ही नेशंस को छोड़ के, वो सभी नेशंस यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। अब अगर हम नज़र डालें हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑर्गन्स यानी कि जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, आईज है, माउथ है, नोज है, ईयर्स है, एक्सेट्रा। वैसे यूनाइटेड नेशंस की अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के अंदर इधर एक ऑडिटोरियम हॉल दिया हुआ है। उस ऑडिटोरियम हॉल के अंदर आपको यहाँ पे सीट्स दिखेंगी। उस सीट्स के ऊपर जैसे हमारी कंट्री के अंदर सारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्रीज जो होते हैं वो संसद के अंदर बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड के अंदर जो सभी देश के लीडर्स होते हैं, वेदर इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री और चांसलर ऑफ एनी कंट्री और डिक्टेटर ऑफ एनी कंट्री, वो सभी साल में एक बार मीटिंग करते हैं इस जनरल हॉल के अंदर। नेक्स्ट वन जो बताया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल
हम अगर बात करें तो इसको हम कहेंगे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन अकॉर्डिंग टू दिस फाइव परमानेंट मेंबर्स इन दिस. इसके अकॉर्डिंगली फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी ये चेंज होने वाले नहीं हैं. तो वो मेंबर्स कंट्री होती है, वो कौन सी कंट्रीज है आइए देखते हैं. तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना वर्ल्ड के ऐसे पावरफुल नेशंस हैं जो इसके सिक्योरिटी काउंसिल पे काम कर रहे हैं. अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर्स, दे आर इलेक्ट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स बाय द जनरल असेंबली. बाकी के दूसरे देश वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्ररी है, उन्हें सिर्फ 2 ईयर्स का ही टेन्योर यानी कि टाइम दिया जाता है और वो चेंज होती रहती है. दिस काउंसिल एंजॉयज ट्रेमेंडस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और ये काउंसिल ऑफ कंट्रीज जो होती है, जो इंक्लूड करती है ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में, वो सिर्फ इसी के ऊपर काम करती है कि वर्ल्ड के अंदर सभी की सिक्योरिटी और पीस मेंटेन रहे. तो आइए देखिए हमारा थर्ड वन क्या है. तो ये इसका थर्ड ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को इकोसॉक बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इसके 54 मेंबर्स हैं. जनरल असेंबली 2/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायरिंग मेंबर्स फॉर एवरी थ्री ईयर्स इसके 2/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और 2/3 को न्यूली इंक्लूड किया जाता है. द नेक्स्ट वन, दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन. दिस काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस काउंसिल का मेन पर्पज यही होता है कि वर्ल्ड के जितने नेशंस हैं उन सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, और धीरे धीरे करके विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस, यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव ना किए हुए, चाहे वो रिलीजियन है या चाहे कोई भी तरह का कास्ट का पीपल हो, उनके बीच में इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए. और इसी की वजह से यहाँ पे मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस, किस एपिडेमिक के अंदर वो क्या काम कर रही है. IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड और एग्रीकल्चर किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है वो भी मेंटेन करके रखना चाहिए. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन UNICEF, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड और चाइल्ड एजुकेशन फंड जिसे बोला जाता है, और UNESCO, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रैक्टिस कर रही है कि वर्ल्ड की अंदर जो भी एजुकेशन, जस्टिस, साइंस और कल्चरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखने के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो इट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो बनाया जाता है वो फाइव परमानेंट मेंबर्स इसके हैं, यानी कि वो फाइव परमानेंट मेंबर्स कभी नहीं चेंज होते. जो हमने ऊपर कंट्रीज डिस्कशन की वो कंट्रीज ही होती है इसकी मेंबर्स. और द रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली आर इंक्लूडेड हियर. जनरल असेंबली कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड करती है, उसी को भी इंक्लूड किया जाता है परमानेंट मेंबर्स के साथ में. इट ओवरसीज मैटर्स पर्टेनिंग टू नेशंस दैट हैव नॉट एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस अराउंड एंड आर अंडर सम प्रीवियस मैंडेट, ऑल्सो नेशंस डिफीटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एज वेल एज इट्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट. इसका मेन काम यही होता है कि जिस कंट्रीज को अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली है वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, तो कोई कंट्री ऐसी तो नहीं है कि किसी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है. वी आर वेरी लकी कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गया है. हो सकता है वर्ल्ड के अभी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके और जिनको अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली है. तो ट्रस्टीशिप काउंसिल उसी लिए बना होता है कि कोई कंट्री जो किसी के ऊपर रूल कर रहा है तो वो उसे परेशान नहीं कर रहा है या एक्सप्लोइट नहीं कर रहा है, तो उसी की वजह से ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया जाता है. तो हमारा फिफ्थ अगर हम ऑर्गन डिस्कस करें तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. हमारे कंट्री के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कोर्ट्स होती है जस्टिस की, दैट इज सबसे टॉप पे आती है सुप्रीम कोर्ट, मिडिल में आती है हाई कोर्ट और लास्ट में आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे सेशन कोर्ट भी कहा जाता है. वैसे वर्ल्ड के अंदर भी अगर किसी कंट्री के ऊपर कोई केस होता है तो उसकी सुनवाई, उसकी हियरिंग जो की जाती है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में की जाती है. तो अगर हम देखें तो ये सिचुएटेड है अ सिटी ऑफ हैग इन द नीदरलैंड्स. देर आर 15 जजेस इन इट. 15 जजेस होते हैं जो कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में से अपॉइंट किए जाते हैं. ये 15 जजेस, और जिनको अपॉइंट किया जाता है 9 ईयर्स के लिए. ये
उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं जो कि नेशंस के बीच में होते हैं। हो सकता है बॉर्डर्स में काफ़ी बार झगड़ा हो जाता है दो कंट्रीज़ का, तो उसकी जो हियरिंग होती है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होती है, और जो वर्डिक्ट सुनाते हैं वो जो सुनवाई करते हैं जजेस, उसी को ही फिर लीगल एडवाइस माना जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा नेक्स्ट वन जो पॉइंट है, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, इट इज़ द सेक्रेटरिएट। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर द यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड द सेक्रेटरिएट। जो ऑफिस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी की है उसे हम सेक्रेटरिएट कहेंगे, और जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी असेंबली फॉर 5 years। जनरल असेंबली 5 years के लिए इन सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, और सेक्रेटरी का मेन काम यही होता है कि जैसे किसी भी कंट्री का मेन पर्सन प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ की जब एक असेंबली होती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो उसका भी जो की पर्सन यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है उसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं, और उसके ऑफिस को सेक्रेटरिएट बोला जाता है। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट, ट्रांसलेटर्स, एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करने के लिए अपने काम के अंदर इन सबको अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरिएट इज कॉल्ड सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क के अंदर सिचुएटेड है, अमेरिका के अंदर। द UN हैज कॉन्स्टेंटली बीन मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड यूनिटी एंड टू अचीव द ड्रीम ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यूसली वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड पीस यानी कि शांति बनी रहे, वर्ल्ड के अंदर यूनिटी रहे, और सभी कंट्रीज के बीच में ब्रदरहुड रहे यानी कि भाईचारा रहे। तो इसी तरह से हमने डिस्कस किया हमारा थर्ड चैप्टर, मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, किस तरह से वर्ल्ड वॉर टू हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद में कौन सी इफेक्ट्स हुई, और वो ख़त्म होने के बाद में यूनाइटेड नेशंस का जब बर्थ हुआ, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उसके हेडक्वार्टर्स बनाए गए, तो कैसे वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं हुआ जब UN बनाया गया, और वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी और वर्ल्ड के अंदर यूनिटी बनी रही है। Thank you students, and watch this chapter up to the last page or last minute, and exercise ke question answers I'll send you the video finish hone ke baad mein ek PDF aayegi, usme se aapko exercise ke questions likhne hain. Thank you and all the best.